चैप्टर टू रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन वन नंबर वन पे आते हैं. हमें बताना है कि कौन से रिलेशन इसमें फंक्शन है, आर दे फंक्शंस आर नॉट, और इसके रीजन भी देने हैं. अगर ये फंक्शन है तो डोमेन और रेंज भी निकालनी है. और इसमें देखिए जितने भी एलिमेंट्स होंगे डोमेन में, यदि उनकी इमेजेस यूनिक होंगी तभी रिलेशन फंक्शन है. यानी कि आपके पास देखिए 21, 51, 81, 11, 14, 17, 1. इसका मतलब कोई भी पहला जो है वो रिपीटेशन नहीं है, पहला मेंबर रिपीटेशन नहीं है. पहला मेंबर रिपीटेशन मतलब ये होता है कि अगर आपके पास यू एक्स और वाई दिया हुआ है, पहला मेंबर का रिपीटेशन का तात्पर्य यह है कि 21 हो और 22 भी हो इसके हिसाब से, तो दो इमेज नहीं हो सकती सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है. दो इमेज नहीं हो सकती, एक इमेज है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन है. और तो डोमेन इसका क्या हो गया? देखिए रेंज तो बहुत आसान है, केवल वन ही वन दिख रहा है आखिरी में, रेंज तो वन हो गया. और पहले मेंबर उठा लीजिए, आपकी डोमेन हो जाएगी 2, 5, 8, 11, 14, 17. इसमें आइए आप, इसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वन कोई भी पहला डोमेन की जो कोई वैल्यू है वो रिपीटेड नहीं है. दैट मींस दिस इज अ फंक्शन. पहले मेंबर्स उठा लीजिए, वो आपके ये वाले पहले मेंबर्स उठा लीजिए सबके, सब पेयर ऑर्डर पेयर के, वो आपके डोमेन हो जाएंगे. रेंज बाद वाले उठा लीजिए, वो आपके रेंज हो जाएगी. अब देखिए साहब यहां गड़बड़ है. इसका मतलब यह है कि आपके पास यू सेट है 1 और 2 और दूसरा सेट है 3 और 5. मैं ऐसा बना रहा हूं, ये पता नहीं क्या सेट है, लेकिन मुझे जो नंबर दिख रहे हैं उसके हिसाब से मैंने बना लिया है. तो देखिए इसमें 1, 3, 1, 5 यानी 1, 3, 1, 5 एक वन की दो इमेज नहीं हो सकती है. अगर ये इमेज दो इमेजेस हो गई या दो रेंज हो गई तो दिस इज नॉट अ फंक्शन. अब यहां पर डोमेन एंड रेंज निकाला है, एक रियल फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू. देखिए थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें. पहला वाला लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स. तो देखिए मॉड एक्स का मतलब ये होता है ये एक्स होगा यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, अगर छोटा है एक्स से तो माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, इसकी वैल्यू ये है, इसका अर्थ यही है. और माइनस एक्स का मतलब इसको उलट दीजिए आप, माइनस एक्स होगा यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और अगर लेस देन जीरो है तो एक्स, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो माइनस एक्स की बात ही हो गई. तो एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे रिलेशनशिप आर के लिए है. डोमेन ऑफ एफ इज ऑल्सो आर, क्योंकि देखिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, माइनस हो ये अगर ये आर को बिलोंग करता है तो ये भी आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि साइन ही तो चेंज हो रहे हैं. तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स. क्यों, उसकी बात सुनिएगा आप, समझिएगा आप, क्योंकि आपके यहां पर जो डोमेन जो रेंज है, डोमेन आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, डोमेन आप कुछ भी ले लीजिए, आपका मॉड एक्स करता क्या है, कोई भी वैल्यू डालिए इसको पॉजिटिव दे देता है. इसके अगर माइनस लगा दिया इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव तो आई नहीं सकती. यानी अगर मैं जीरो को कहूं यहां इन्फाइनाइट जाता है या माइनस इन्फाइनाइट, तो जीरो से इधर तो कभी आएगी नहीं, हमेशा नेगेटिव जाएगी. तो इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी और जीरो, इसमें जीरो जो है वो इंक्लूसिव है. तो इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और डोमेन का तो कुछ भी नहीं, डोमेन तो कोई भी वैल्यू डालते रहो आप, कोई भी वैल्यू डालोगे रेंज हमेशा नेगेटिव में आएगी, क्योंकि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव कर देता है, उसके आगे आपने जबरदस्ती माइनस लगा दिया तो हमेशा वो मजबूरन माइनस में ही जाएगा. इसमें आइए आप, इसमें अगर आप कोई ऐसी वैल्यू डालें जिससे अंडर रूट अनडिफाइंड हो जाए, कोई भी वैल्यू ऐसी इसके अंदर आ जाए कि अंडर रूट ही अनडिफाइंड हो जाए, तो फिर तो एक्स वो ऐसी वैल्यू डाल ही नहीं सकते. तो
This is defined for all real numbers that are greater than or equal to 3 or less than equal to 3. ठीक है, केवल minus 3 और 3 के बीच में जो values lie करेंगी is less than equal to, वो ही इसमें जा सकती हैं. तो domain ही restrict हो गया. Domain is minus 3 to 3 और इसका जो value निकालेंगे आप, that has to be between 0 एंड 3. एक मैं कोई वैल्यू आपको निकाल के देखता हूं. अगर मान लीजिए इसमें आप x की जगह 0 डाल दीजिए तो क्या आएगा, 9, अंडर रूट 9 इज 3. आप इसके अंदर 3 डाल दीजिए तो 3 स्क्वायर ये 0 आ जाएगा, अंडर रूट 0. तो 0 से लेकर 3 ही वेरी करेगा ये हमेशा, मतलब इसके बीच में वैल्यू आ सकती है और भी वैल्यू डाली आ सकती है, लेकिन इसकी डोमेन जो है वो ये डिफाइन करेगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट कैन नेवर बी लेस देन 0, तभी ये रूट डिफाइन होगा. तो इसलिए हमारी डोमेन जो होगी वो माइनस 3 और 3 के बीच में वेरी करेगी. इससे आप ऊपर जाएंगे अंडर रूट अनडिफाइंड हो जाएगा. और रेंज क्या होगी, जो भी वैल्यू डालोगे आप, कुछ भी वैल्यू डालो इसमें, इन वैल्यूज के बीच को लेके आप हमेशा 0 और 3 के बीच में ही पाएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय fx is equal to 2x minus 5. Write down the values of f0, f7, f-3. तो बस सीधा हमको करना क्या है, ये जब fx equal to this value होती है ना, तो सीधा x में जो वैल्यू आ रही है वो आपको यहां पुट कर देनी है. तो f0 मतलब x की जगह 0, x की जगह 0 पुट करेंगे माइनस 5 आएगी, x की जगह 7 पुट करेंगे 9 आएगा, x की जगह माइनस 3 पुट करेंगे माइनस 11 आएगा. You are going to replace this x by the value on the right hand side of x. Question number 4 पे आते हैं. The function T which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is this. एक relationship ये बना है. आपको T0, T28, T-10 निकालना है. यानि कि आप सीधा जो TC है, जो C की जगह आप 0 डालिए, मतलब इस जगह 0 डालिए, value निकालिए. फिर 28 डालिए, फिर वैल्यू निकालिए, माइनस 10 डालिए, फिर वैल्यू निकालिए. और चौथे में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ टीसी इक्वल टू 212. यानी कि इन्होंने कहा कि जब ये 212 है तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है. तो बस इस इक्वेशन में रख दीजिए और सी की वैल्यू निकाल लीजिए, वो इस तरीके से आपकी 100 हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं हम. फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, रेंज निकालनी है. fx is equal to 2 minus 3x, x belongs to R. इसको किस तरीके से करते हैं, थोड़ा तरीका देखिएगा इसका आपको. अब मैं पहले कुछ वैल्यूज दूंगा फॉर R, x ग्रेटर देन 0 है ना, इसे डिफाइन कर दिया है कि देखिए x 0 से बड़ा होना चाहिए तब आप रेंज निकालेंगे. तो 0 से क्या बड़ा हो सकता है, 0.01 एक छोटी सी वैल्यू लेते हैं, फिर 0.1, ऐसे करके एक एक वैल्यू आप बढ़ा दीजिए, 2, 4, 5 वैल्यू ले लीजिए अपनी मर्जी से. और आप fx देखिए क्या आता है, यानी x की जगह आपको 0.01 रखना है, फिर 0.1 रखना है, 0.9, ये मैंने अपने आप किया है, आप इसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी. 0.9 मैंने किया, आप 0.7 ले सकते हैं, 2.5 लिया है, आप 2.2 ले सकते हैं. और जब इसकी fx निकालेंगे आप, दिस fx विल बी व्हाट, जो वैल्यूज आएंगी, मतलब यहां पर ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू ही आएंगी. अब इस पर ध्यान दीजिए, आप देखिए कि कोई भी वैल्यू, ये तो 2 minus 3x है, मतलब आप कोई भी वैल्यू डालिए x में जो ग्रेटर देन 0 है, 2 इससे घट ही रहा है, तो 2 से तो ऊपर जाएगा नहीं, और बाकी सारी नीचे की वैल्यू आ रही है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक इसकी आपकी रेंज हो जाएगी जो यहां पर बोला गया. तो एक और तरीका इसमें बताया गया है कि ये वैसे कुछ मुझे जचा नहीं, इसे मैंने आपको नहीं बताया, बल्कि इसमें क्या किया कहा गया है कि आप यहां पर एक ये जो x है ना, इसको 0.1, मैं फिर भी बता देता हूं अगर किसी को ये पसंद आता है तो, x इज ग्रेटर देन 0 ये आपको दिया है, दोनों जगह 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3x इज ग्रेटर देन 0 यहां 0 बन जाएगा. अब 2 से माइनस करिए, 2 minus 3x इज 2 से माइनस करेंगे ना, तो क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसलिए इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगा, तो ये -2 है ना, यहाँ -2 तो इनइक्वालिटी साइन बन जाएगा, माइनस को छोड़ दीजिए आप. फिर इसका मतलब fx, ये तो fx है ना, fx विल बी लेस देन 2, वो यहां पर कहा गया है, तो 2
और माइनस इन्फाइनाइट। अब माइनस इन्फाइनाइट कहाँ से आया, ये एक इसमें सवाल उठ जाता है, इसलिए ये तरीका सबसे अच्छा है। अगले पे आते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स इज अ रियल नंबर। इसमें भी यही करना है आपको, एक्स में आप जीरो लीजिए, 0.3 लीजिए, प्लस माइनस दोनों वैल्यू डालेंगे आप इसमें, जो भी वैल्यू आपको डालनी है, जो भी वैल्यू आपका आपको पसंद आती है वो यहाँ पर डालिए। देखिए मेरा सबसे अच्छा तरीका है, या मैं जो प्रेफर करता हूँ या बताता हूँ, आप जीरो लीजिए, जीरो से इधर की एक वैल्यू डाल दीजिए, प्लस में दो वैल्यू डाल दीजिए, माइनस की दो वैल्यू डाल दीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो जो वैल्यू डालेंगे, अच्छा माइनस और प्लस की वैल्यू इस तरीके से डालना कि ऐसा ना हो जाए कहीं अनडिफाइंड हो जाए, जैसे अभी वो रूट देखा था ना, रूट देखी थी तो उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकते जिससे रूट जो है अनडिफाइंड हो जाए, तो ऐसी वैल्यू डाली है। तो यहां पर कुछ वैल्यूज डाली हैं, आप देखिए आपको ये दो से शुरू हो रहा है, जीरो डाला तो, और आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो टू से इंक्लूसिव और इनफाइनाइट तक जा रहा है। दूसरा तरीका जैसे यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, दोनों की जगह प्लस टू कर दीजिए दोनों साइड, आपको ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस टू किया है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू, दिस इज वॉट, दिस इज एफ एक्स, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो यहां पर टू से ऊपर बनाया इन्फाइनाइट तक चला गया। बस ये इन्फाइनाइट कैसे आएगा ये थोड़ा सा एक सवाल होता है, इसलिए ये तरीका जो है एक रेंज को निकालने में, एक साइड को निकालने में बहुत आसान होता है। और एक आखिरी जो है वो है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर, अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स इज एक्स, यही हमको फंक्शन दिया हुआ है, तो डोमेन रेंज क्या है, जो एक्स डालोगे वो एक्स आ जाएगा, तो डोमेन भी इसकी एक रियल नंबर और रेंज भी इसकी रियल नंबर। तो ये आपकी योर एक्सरसाइज हो गई।